ट्रेन का कंफर्म टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लोगों को औसतन 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन कई बार इंटरनेट की स्पीड या अन्य तकनीकी कारणों से इसमें भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। नतीजतन जब तक टिकट की बुकिंग प्रक्रिया पूरी होती है तब तक संबंधित ट्रेन के सभी टिकट बुक हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के हाथ में वेटिंग टिकट ही लगता है, जबकि कई दलाल महज चंद सेकेंडों में ही टिकट कन्फर्म करा लेते हैं। में RPF ने कुछ दलालों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के इस खेल का पर्दाफाश किया है। रेलवे को इस तरह देते हैं धोखा। आमतौर पर जब किसी रेलवे टिकट बुक करना होता है तो वो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करने लगता है। दौरान व्यक्ति को यूजर ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कैप्चा डालना होता है और तब जाकर टिकट बुक हो पाता है। इसमें औसतन 2 मिनट का समय लगता है, जबकि दूसरी तरफ दलाल रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दोनों कैप्चा भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉफ्टवेयर इसे बायपास कर देता है। वहीं पेमेंट के लिए भी OTP की जरूरत नहीं होती है, सीधे पेमेंट हो जाता है। इस तरह के कुछ सेकेंडों में दलाल कन्फर्म टिकट बुक करा लेते हैं। 1 ID से 6 यात्रियों की टिकट बुक हो सकते हैं, यानी बुकिंग की कतार में वर्चुअल 6 लोग लग सकते हैं, जबकि दलाल 1 ID से 144 लोगों के टिकट बुक कर सकता है। इस वजह से आम लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। पहला तो कुछ सेकंडों में टिकट बुक हो जाता है और दूसरा 144 लोगों का टिकट एक साथ बुक करता है। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर की मदद से 144 यात्रियों की डिटेल्स पहले से तैयार रहती थी, जिसे निर्धारित समय होते ही ऐड कर दिया जाता है। इस तरह डिटेल भरने में लगने वाला समय भी बच जाता है। RPF से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए दलाल और सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बताया है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर उन्होंने रूस में डेवलप कराए थे। इसीलिए जब हम और आप एप्लीकेशन से मोबाइल से जब टिकट बुक करते हैं तो हमको टिकट नहीं मिलता है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रेलवे से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।